सीएम योगी के काफिले के साथ हुआ सड़क हादसा। कुत्ते को बचाने के चक्कर में एस्कॉर्ट कर रही कार दूसरी गाड़ियों से टकराई, 6 पुलिसकर्मी समेत 15 लोग घायल। बता दें कि लखनऊ में शनिवार रात तकरीबन 8 बजे सीएम योगी के काफिले को एस्कॉर्ट कर रही कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 6 पुलिसकर्मी समेत 15 लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब सीएम योगी दिल्ली से लौट रहे थे। एयरपोर्ट से उनका काफिला मुख्यमंत्री आवास के लिए निकला था, तभी अर्जुनगंज इलाके में कुत्ते को बचाने के चक्कर में एस्कॉर्ट कर रही कार बेकाबू हो गई। इसके बाद यह कार रास्ते में चल रही गाड़ियों से टकरा गई और फिर एक डीसीएम को टक्कर मार दी। वहीं सीएम के काफिले के हादसे की खबर सुनते ही हड़कंप मच गया। बता दें कि एक कांस्टेबल समेत 8 लोगों को केजीएमयू में भर्ती कराया गया है, जबकि 5 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोगों को लोही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही एसीएस ग्रह संजय प्रसाद, डीजीपी प्रशांत कुमार सिविल अस्पताल पहुंच गए। वहां घायल पुलिस वालों को भर्ती कराया गया है। वहीं सीएम योगी को काफिले की अन्य गाड़ियों के साथ रवाना किया गया। इस हादसे के बारे में जेसीपी उपेंद्र कुमार अग्रवाल का कहना है कि अर्जुनगंज के मरिमाता मंदिर के पास यह सड़क हादसा हुआ है। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी के लिए जिला पुलिस की गाड़ियां आगे चलती हैं, उसी से डेमो कार में हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि सड़क पर अचानक कुत्ता आ जाने से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। वहीं घायलों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस सड़क हादसे में घायल पुलिस कर्मियों में विजय प्रताप यादव, मोहम्मद शमीम, शिवम यादव, अवध नारायण और राम सिंह घायल हुए हैं। इसके अलावा आम लोगों में शहादतगंज के रहने वाले मुस्तकीम सिद्दीकी, उनकी पत्नी शहनाज, 6 साल का बच्चा आबिद और 6 महीने की बच्ची हाशमा घायल हुए हैं। इसके अलावा मरीमाता मंदिर के पास रहने वाली सुशीला एवं आलमबाग के खालिद आजम भी घायल हुए हैं। वहीं इस हादसे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्विटर पर ट्वीट कर लिखा है कि अनाथ पशुओं की समस्या को गंभीरता से नहीं लेने की वजह से आज स्वयं मुख्यमंत्री जी का काफिला हादसे का शिकार हुआ है और कई लोग घायल हुए हैं, दुखद भी चिंतनीय भी। सपा प्रमुख आगे लिखते हैं कि पशुओं की समस्या उत्तर प्रदेश का एक खतरनाक सत्य है, ये लोगों के जीवन का प्रश्न है। आशा है अब तो आंखें खुल ही गई होंगी और चुनाव में किया गया वह भाजपाई वादा याद आ गया होगा, जिसमें आवारा जानवरों से छुटकारा दिलवाने का वचन दिया गया था। जब लोगों के अपने जीवन पर बनती है, तब पता चलता है कि आम जनता की समस्या के लिए झूठ बोलना कभी खुद की जिंदगी के लिए महंगा पड़ सकता है। भाजपा इस हादसे से यह सबक ले कि जहां जिंदगी का सवाल हो, वहां जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए। सड़क हादसा हुआ है, किस तरीके से हादसा हुआ? लगभग 7:45 के लगभग का समय जो है बताया जा रहा है, और जो है वो अगर आप उस बीच जो है मंदिर के पहले ही पूछ लेना और जो घटनाक्रम इस प्रकार है पीछे की गाड़ियों को भी बताया जाता है, पर सेक्टर के जस्ट पीछे एंटी रेमो की गाड़ी थी, ये उसके ऊपर चल जाती है, उसका एक टायर जो है ऊपर आता है, जिससे काफी गाड़ियाँ बैलेंस हो जाती है, वो जाती है और सड़क के दाहिनी ओर मुड़ करके वहाँ पर भी दो गाड़ियाँ और पब्लिक के जो लोग थे उनके चपेट उनको चपेट में ले लेती है, जिस क्रम में ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और इंजर्ड और जो स्थिति जानकारी 5 पुलिसकर्मी घायल है, इसके अलावा लगभग 6 जो है सिविलियन, इनको भी बताया गया कि घायल है। टोटल 11 की जानकारी मिली है और उनको अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया, इलाज उनका चल रहा है और इनका जो डिटेल्स होगा और भी जो घटनाक्रम जानकारी। कैजुअलिटी की ऐसी कोई जानकारी नहीं है, 11 लोग इंजर्ड जरूर। सर ये फ्लीट किसकी थी? सर ये माननीय मुख्यमंत्री जी की फ्लीट थी, बट ये फ्लीट से इसका कोई मतलब नहीं होता, आगे की जो गाड़ियाँ होती है वो जिला पुलिस की जो है वो स्पॉट करके और पायलट करके रूट को क्लियर कराते हुए जाती है। एंटी डेमो का उद्देश्य ये होता है, रास्ते में कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा हो उसको रोकने के लिए एंटी डेमो की गाड़ी सबसे आगे चलती है, फ्लीट से ये काफी आगे चलती है। जो लोग इंजर्ड हुए वहाँ पर खड़े हुए थे, फ्लीट को देख रहे थे या कुछ काम कर रहे थे या रहने वाले हैं? ये गाड़ी जो है जब उनका बैलेंस गड़बड़ाया तो दाहिने और सड़क को छोड़ करके दाहिने और घुस गई, वहाँ दो गाड़ियाँ थी उसमें टक्कर लगी और कुछ लोग वहाँ खड़े थे,
जैसा वहाँ पर लोकल स्थानीय कितने पुलिस वाले खड़े थे तो उनको चपेट में आ गए। तो क्या फ्लीट में सर उस वक्त सीएम सर भी मौजूद थे? नहीं नहीं, फ्लीट तो पीछे थी, ये फ्लीट के काफी आगे चलती है एंटी डेमो, तो एंटी डेमो के साथ ये घटना हुई, फ्लीट के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट। सर कितने पुलिसकर्मी घायल है? पुलिसकर्मी 5 जो है उसको घायल बताया गया, तो उनको अभी हॉस्पिटल भेजा गया। 6 सिविलियन है सर? 6 सिविलियन की जानकारी मिली है और अभी अस्पताल से। सर उसमें बच्चे कितने? यदि कोई डायरेक्ट ही अपने स्वेच्छा से कहीं किसी हॉस्पिटल में पहुंचा होगा तो उसके बारे में सीरियस बाकी जैसे डिटेल्स मिलेगा। अभी भी क्या स्थिति है? बच्चे भी थे सर? बच्चे भी थे उसमें कुछ? बच्चे कितने थे सर? Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.